वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत सिरोंज ग्राम की शासकीय प्राथमिक शाला प्रांगण में ग्रीन इंडिया मिशन की उपस्थित नागरिकों महिलाओं को जानकारी दी, जिसमें उपस्थित अधिकारियों ने बताया जिले में बड़े स्तर पर ग्रीनरी की प्लानिंग की गई, जिसमें अगले साल जिले में 950 हेक्टेयर जंगली एरिया बनाए जाएंगे। इसमें बाहर के इतने ही क्षेत्र में पौधारोपण होगा, जिसमें राहतगढ़, सागर, ढाना व देवरी के मिली बॉटल सेट को इस मिशन में शामिल किया गया है। साउथ DFO क्षितिज कुमार ने बताया किसानों के खेत, स्कूल आदि जगह पर अभी पौधारोपण के लिए काफी स्पेस है। जगह के अलावा बाकी क्षेत्र में पौधारोपण के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो ग्रीन इंडिया मिशन साल भर चलेगा। इस अवसर पर सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष दिव्या सिंह, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, सभापति वन थाई समिति श्रीमती रंजना पटेल, अध्यक्ष नंदन सिंह, महादेव ठाकुर, राकेश पटेल, वीरचंद अहिरवार, अंजना उपाध्याय, रेंजर लखन सिंह, ठाकुर पार्षद बलवंत सिंह ठाकुर आदि वन अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम के गणमान्य नागरिक, महिलाएं आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सागर से कैमरामैन संजय तिवारी के साथ अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज 360, खबरें अलग अंदाज में।